गुरोर्पदं मन्त्रे मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षे मूलं गुरोर्कृपा मोक्षे मूलं गुरोर्कृपा सद्गुरुदेव के अनंत ज्ञान को प्रणाम, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आज के इस कपल कैंप में हम लोग आधी देर तक मैं बोलूँगी और उसके बाद आपके प्रश्नों का समाधान होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हम साथ साथ क्यों, हम साथ साथ क्यों, क्यों यू कैन गिव आंसर। डेस्टिनी, ड्यू टू डेस्टिनी और ऋणानुबंध, पूर्व में कुछ नियाने अनुबंध कर रखे उस वजह से हम साथ साथ हैं। आप बताएं मीना जी। कभी इस तरह के व्यक्ति की चाहत की इस वजह से, आप बताएं, आप बताएं। अनुबंध और कोई आंसर, हम साथ साथ क्यों, कोई भी दे सकता है आंसर। संगीता जी दीजिए, विजय जी, डेस्टिनी, आप भी डेस्टिनी, अतीत के कल्प, और कोई आंसर, डिफरेंट आंसर हो तो दीजिए। हम साथ साथ क्यों, हम साथ साथ क्यों। आप लोग कह रहे हैं कि हमारी नियति थी, हमारा ऋणानुबंध था, अथवा हमने कभी ऐसा चाहा था, इसलिए हम साथ साथ हैं। हकीकत यह है कि जीवन संयोगों का ही नाम है। जीवन में हम सदैव साथ साथ ही हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, और साथ जीवन का अवश्य क्रम है। पति पत्नी का हो, माता पिता का मिला हो, भाई भाई का मिला हो, और हमारे अपने बच्चों का हमसे मिला हो, साथ तो जीवन का अवश्य क्रम है। हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस साथ को, बाकी बहुत सारे साथियों को हम सेलेक्ट नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो हमें पता नहीं कि हमने सेलेक्ट किया। इसीलिए इस एक संयोग पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे होते हैं। माता पिता हमें मिले हम माने या न माने, लेकिन इस कौन से माता पिता हमें मिले यह भी हमने चाहा था तभी मिले, कभी हमने सोचा था, कभी उस तरीके की प्रीति, उस तरह की शैली से, गुणों से हमारी प्रीति प्रेम रहा था, इसीलिए ऐसे माता पिता हमें मिले। लेकिन माता पिता को हमने सेलेक्ट किया इसके हमें कोई मेमोरी नहीं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमने ही चाहा था, लेकिन हमें उसकी कोई यादगार नहीं है। लेकिन हस्बैंड वाइफ, ये एक ऐसा रिलेशन है जो हम अपनी जिम्मेदारी कहीं कहीं ले लेते हैं, और अधिकांशतः जिम्मेवारी नहीं लेकर के यही कहते हैं कि ऐसा हमारी किस्मत में, तकदीर में, डेस्टिनी में ऑलरेडी डिसाइडेड था, रिटन था, इसीलिए हमें ऐसा जीवन साथी मिला।
और हम सबको पता है कि हमारी ये किस्मत भी हमारी अपनी ही भावनाओं और सोच का एक प्रतिफलन है। हमारी अपनी ही भावनाएं और हमारी अपनी ही सोच, हमारी अपनी ही आलेश्या, हमारी अपनी ही संज्ञा, हमारी अपनी ही वृत्तियों का प्रतिफलन, रिजल्ट हमारी अपनी किस्मत है। जब किस्मत अपना ही है तो फिर जो साथी मिला उसको हम स्वीकार कर सकते हैं कि ये साथी मेरा सिलेक्शन है। ठीक है, तो पहली बात, हम साथ साथ क्यों? क्योंकि हमने इसको चाहा। जीवन साथी है, जीवन संयोगों का नाम है, साथी तो रहेगा ही। दूसरी बात कि जैसा भी साथी है वो हमारा ही चुनाव है, चुनाव है। जैसा भी साथी है वो हमारा ही चुनाव है। तीसरी बात कि हम जब भी चुनते हैं, चूंकि हमारा अपना ज्ञान या हमारी अपनी चॉइस, ज्ञान और चॉइस दोनों ही परफेक्ट नहीं होते, ना हमारा नॉलेज परफेक्ट है ना हमारी चॉइस परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि हर कुछ देर के बाद हमारी चॉइस भी बदल जाती है और हर कुछ समय के बाद हमारा नॉलेज का लेवल भी बदल सकता है। तो जब नॉलेज भी बदल जाती है, जब चॉइस भी बदल जाती है, तो जो चुना और आ गया, जो चुना और मिल गया, अब उसको लेकर के मन के अंदर शंकाएं पैदा होती है कि क्या ये वाकई मैंने चाहा था, क्या ये वाकई मेरी ही सोच का रिजल्ट है, क्या मैं और ऐसे को पसंद कर सकता था। अच्छा मिला तो कहेंगे वाह पुण्य था, बुरा मिला तो कहेंगे पापों का फल है। ठीक है, पुण्य पाप ये हमारी डिक्शनरी में, वोकेबुलरी में काफ़ी कॉमन वर्ड्स है और हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अच्छा मिला ड्यू टू पुण्य, बुरा मिला ड्यू टू पाप, लेकिन हकीकत है पुण्य पाप को एक साइड कर दें तो जैसा भी मिला वो अपने ही सिलेक्शन की वजह से हमें मिला। इट्स ओके, ये हम सबको एक्सेप्ट है। ठीक है, अब तीसरी बात, जो जैसा मिला संयोग, जैसा भी मिला, जो संयोग मिला वो पास्ट टेंस मिला, ठीक है, वो पास्ट इम्पोर्टेंस रखता है या आज उस संयोग को मुझे कैसे जीना ये ज़्यादा महत्व रखता है। कल महत्व आज की बजाय हमेशा ही कम रखता है। कल का महत्व कम है, आज का महत्व ज़्यादा है। उस सब के बावजूद हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी एक सोच धारणा स्थापित है कि ऐसा जो कल हो गया हम उसी को लेकर के गाते हैं, सोचते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, अथवा श्रेय भी देते हैं तो कल को। हम आज के महत्व को मानते हुए भी महसूस नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमारी हर बातों में पिछला ही महत्व ज़्यादा रखता है। जैसे कोई मिला अच्छा लगा तो हम बार बार ये कहेंगे न जाने पिछले जन्म में तुम्हारे से मेरा कौन सा रिश्ता था जो आज तुम मुझे इतने अच्छे लग रहे हो। मतलब आज अच्छे लग रहे हो तो पिछले जन्म का रिश्ता याद हर कोई करता है, चाहे वो याद है नहीं, याद आता भी नहीं, लेकिन जैसे ही हमें कोई साथी अच्छा लगता है हम अपने पिछले जन्मों की बात के साथ उसको कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो चाहे हम अभी कह रहे हैं कि हम आज को महत्व देते हैं, लेकिन क्या वाकई महत्व देते, क्या वाकई आज इस संयोग को कैसे जीना इसको महत्व देते हैं, या ये संयोग मुझे क्यों मिला, कैसे मिला, ये संयोग ऐसा क्यों है, इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फर्स्ट भूल हम सबकी ये होती है कि हम अपने पास्ट को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने मन में मान लेते हैं कि वर्तमान के महत्व से हम बहुत कुछ चूक जाते हैं। हम अपने प्रेजेंट को वाकई में उतनी इम्पोर्टेंस देते होते तो लाइफ कुछ और होती।
इज इट ओके? माइंड में ये बात एक्सेप्ट हो गई कि अभी हमें प्रेजेंट को महत्व देना, आज, आज को कैसे जीना, अपने साथी के साथ आज को कैसे जीना। इस संबंध में सबसे पहले हम जैन दर्शन के एक सूत्र की बात करेंगे, और जैन दर्शन का वो बड़ा कॉमन सा सूत्र है जो आप सबको पता है और हमारे से भी आप अनेकों बार सुन चुके हो। वह सूत्र है परस्परो ग्रहो जीवानाम। हम जीव परस्पर जुड़े हुए हैं। कुरान शरीफ ऐसा कहता है कि खुदा अपने बंदे को जब उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल देना चाहता है तो उसके घर के संबंधियों के रूप में पैदा होकर के उसको अच्छे बुरे कर्मों का फल दिला देता है। कहने का मतलब वही जो जैन दर्शन कह रहा है कि जब हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल पाना होता है तो हम इन संयोगों और साथियों के माध्यम से अपने अच्छे बुरे दोनों ही तरह के कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। तो परस्परोग्रहो जीवानाम सूत्र कहता है कि जीवन ही परस्पर जुड़ा हुआ है, तो साथी तो रहेंगे क्योंकि जीवन ही परस्पर जुड़ा हुआ है। और जब जीवन परस्पर जुड़ा हुआ है, साथी हमारे साथ है, इसका मतलब यह हुआ कि अच्छे कर्म हैं तब भी और बुरे कर्म हैं तब भी, साथ किसी न किसी का तो होगा ही होगा। अब इस कपल शिविर में हम हमारी चर्चा का जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारा स्पाउस, हमारा पेयर, हमारी जोड़ी। अब जो हमारी जोड़ी है यह हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, वो इसलिए क्योंकि 20-22 साल की कुंवारी ज़िंदगी के बाद जब हम शादी के बंधन में बंधते हैं तो शादी के बंधन के साथ सबके माइंड में एक स्थापित सोच है, और वह सत्य भी है कि अब जीवन भर तो मेरा यही साथी है। मतलब माता पिता भी जीवन भर सा फील नहीं होते, पति पत्नी जीवन भर की सी फीलिंग देते हैं, और बच्चे, बच्चे से बहुत प्यार होने के बावजूद भी बच्चों से जीवन भर के साथ की उम्मीद हमारा अंतर्मन नहीं चाहता, क्योंकि अंतर्मन जानता है कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे वे अपने साथियों के साथ रहेंगे, यानी पूरे जीवन मेरे साथ रहने वाला अगर कोई है तो वह मेरा अपना लाइफ पार्टनर स्पाउस है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के साथ तो टाइम ड्यूरेशन हमें स्पष्ट ही पता है, लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है जिसका ड्यूरेशन अनसर्टेन होते हुए भी कम से कम इतनी सर्टेनिटी तो है कि लाइफ लॉन्ग मेरा साथी यही रहने वाला है। इसको बचने की, इससे बचने की संभावनाएं नहीं है, इससे बचने की, इसको बचाने की, बचने की, इस रिश्ते से हट जाने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम यही है। तो अब लाइफ टाइम कोई चीज मिलने वाली होती है या बनी रहने वाली होती है तो दो बातें पैदा होती है, एक तो जो लाइफ टाइम रहने वाली है उसको मेंटेन कैसे करना, और दूसरी बात जो लाइफ टाइम ही रहने वाली ही है तो फिर इसको मेंटेन करने की, इसके प्रति इतनी केयरिंग करने की ज़रूरत क्या है, केयरलेस बन जाओ, क्योंकि पत्नी छोड़ के जाने वाली तो है नहीं, ना बदलने वाली है ना छोड़ के जाने वाली है, ये तो जो घर से, घर में बांध के ले आया बन के रहने वाली है। पति जो स्वीकृत हो गया समाज में अब कोई सेकेंड ऑप्शन तो है नहीं, इसीलिए बात ख़त्म। हम जिनको हर दिन के लिए पा चुके होते हैं उनके प्रति हम केयरलेस भी हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो माइंडसेट, अ टाइप ऑफ माइंडसेट, कि बहुत सारे लोग केवल इसीलिए इस रिश्ते के प्रति केयरलेस से नज़र आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो अब रहने ही वाला है, इसमें कुछ बदलाव तो होना नहीं है। अब दोस्ती है तो किसी दिन टूट भी सकती है, तो आदमी दोस्त को खुश रखने की कोशिश करता है, रिश्तेदार है
थोड़ी देर के लिए मिलने और फिर चले जाने हैं, तो आदमी उसके साथ भी खुश रहने की और उनको खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन घरवाली और घरवाले ने ना कहीं जाना ना कहीं आना, घूम फिर करके लौट करके वापस इसी खूंटे पर ही आना है, तो अब इनकी केयरिंग करने की कहाँ ज़रूरत है। बहुत गहराई में हम सबके भीतर ये सोच काम कहीं ना कहीं करती है, इसीलिए हम लोग एक महत्वपूर्ण और लाइफ लॉन्ग रहने वाले रिश्ते के प्रति भी केयरलेस आसानी से हो जाते हैं, आसानी से केयरलेस हो जाते हैं। इज इट ओके, है या नहीं? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा है या नहीं? ज्यादा चांसेस ऐसी है। और कुछ लोग इससे ऑपोजिट सोचते हैं, जब पूरे जीवन साथी तो मेरा यही है तो मैं इसका ध्यान क्यों ना रखूं, मैं इस रिश्ते का अच्छी तरीके से पालन और पोषण क्यों ना करूं, इस रिश्ते में मैं केयरिंग क्यों ना रखूं, क्योंकि मेरे जीवन भर तो यही साथ रहने वाला है। कुछ लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे तो कुछ लोग इस चीज़ को नेगेटिवली लेंगे। अब नेगेटिवली लेने वाले लोग बहुत हैं, हमारे सामने हैं। जो लोग खाद पानी नहीं डालते, पौधे को पानी नहीं डालते, खाद नहीं डालते, भोजन नहीं देते, लेकिन उन पौधों से हर दिन फल की उम्मीद करते हैं। हम अपने सबसे करीबी नज़दीकी रिश्ते में अपनी भावनाएं, सद्भावनाएं, अपना प्यार, अपना ध्यान और एक दूसरे की को लगातार काबिल बनाने की इच्छा वो नहीं रखते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो काबिल बने, हम ये चाहते हैं कि वो मुझे रोज़ प्यार करे, हम ये चाहते हैं वो मेरी रोज़ केयर करे, हम ये चाहते हैं वो लोग रोज़ मेरी तरफ ध्यान दे, मेरी सब कुछ चीज़ का ख्याल रखे। मतलब रिजल्ट्स सारे चाहते हैं, लेकिन जिन रिजल्ट्स को चाहते हैं उन रिजल्ट्स को पैदा करने वाला जो खाद है, जो पानी है, जो भोजन है, जो विचार है, जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को देने में कोताही बरतते हैं। यानी हम ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो कि नो इन्वेस्टमेंट एंड मोर रिटर्न, है या नहीं? अधिकांश लोगों के साथ में ये दिक्कत है कि वे लोग विदाउट एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न पाना चाहते हैं, और तब क्या होता है कि दोनों ही तरफ से खींचतान शुरू होती है। एक ही चीज़ कही जाती है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा रखना चाहिए वगैरह। थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अब ऐसा कैसा, वी नो, हम सबके पास अलग अलग डेफिनेशंस होती है, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। सेकंड, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। थर्ड, तुम्हें ऐसा रखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हम सब चाहते हैं कि मेरा जीवन साथी मेरे लिए बहुत ही केयरिंग होना चाहिए, मेरे साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, और कई लोग चाहते हैं ओबीडियंट भी होना चाहिए, है ना, मेरे हर ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला भी होना चाहिए, और ये भी चाहते हैं कि बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, मेरे को साथ घुमाने फिराने वाला होना चाहिए, मेरे साथ बातें करने वाला होना चाहिए। हम कितनी चीज़ें अपने जीवन साथी से चाहते हैं, अगर हम लिस्ट बनाएं तो देर आर सो मेनी पॉइंट्स कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, है ना? अपने जीवन साथी में कितने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये सब होना चाहिए। आज बनाओगे ऐसी लिस्ट? इजी है, डिफिकल्ट है? इजी है लिस्ट बनाना, आप पेपर पेन नहीं लाए, बाकी अभी अभी बनानी चाहिए आपको, अभी अभी बनानी चाहिए कि आपके जीवन साथी में क्या क्या होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, वन मिनट में सोचो आप अपने जीवन साथी में क्या क्या बातों के लिए सोचते हो ऐसा होना चाहिए।
ना, हो सकता है आप धार्मिक हो तो सोचते उसको भी सामायिक करनी चाहिए, उसको भी महाराज जी के यहाँ चलना चाहिए, उसको भी मंदिर जाना चाहिए, कुछ भी क्या क्या होना चाहिए, जरा सोचो माइंड में। ओके, बड़े जल्दी सोच लिया आप लोगों ने तो कि क्या क्या होना चाहिए, सोच लिया ना। अब ईमानदारी से बताना, जो कुछ आपने अपने जीवन साथी के लिए सोचा वो सब कुछ आपके अपने में तो है ना, खुद में तो है ना, वो सब कुछ जो हम जीवन साथी से उम्मीद करते हैं वो मेरे प्रति बिल्कुल ईमानदार हो, किसी और लड़की को ना देखता हो, किसी और लड़के को दिल ना देती हो, किसी और की बातों में ना आती हो, और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती हो, मेरे सुख दुख की साथी हो, जो कुछ भी आपने सोचा, मुझे नहीं बताया कोई बात नहीं, मत बताना, लेकिन बस इतनी सी बात बता दो, जो आप अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हो वो सब कुछ अपने आप में है या नहीं। 80% तो है ही, और खुद को देखना। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लाइफ के इस साइंटिफिक रूल को समझें कि जो चीज़ें हमारे में नहीं हैं और हम दूसरों में चाहते हैं, हकीकत में हम जिन चीज़ों का अपने में अभाव देखते हैं और दूसरों में चाहते हैं, उन चीज़ों की वजह से ही हमारी ज़िंदगी में खींचातान, तनाव, फ्रस्ट्रेशंस और लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। देख लेना, जो चीज़ें हम में है नहीं, हम दूसरों में चाहते हैं, उन्हीं को लेकर के ज़्यादा झगड़े होते हैं। देखिएगा, बात हो सकता है आपको विचित्र लगे, लेकिन खुद का विश्लेषण कीजिएगा तो समझ में भी आएगा कि अक्सर दूसरी तरफ, दूसरों की तरफ आकर्षित होने वाला पुरुष अपनी पत्नी को अपने लिए बिल्कुल ईमानदार देखना चाहता है। अक्सर केयरलेस हस्बैंड अपनी वाइफ को केयरफुल देखना चाहता है, और केयरलेस वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा केयरिंग की उम्मीद भी रखती है। आप जिस चीज़ की शिकायत करते हो अपने स्पाउस से, कहीं ना कहीं उस एलिमेंट की अपने खुद के भीतर कमी होती है, तभी हमारे भीतर उसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। अभी बिल्कुल उल्टी बात कह रही हूँ, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत केयर करती हूँ, वो नहीं करता इसलिए मुझे गुस्सा आता है, मैं तो हर बात शेयर करना चाहती हूँ लेकिन वो नहीं करते इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, सती सावित्री पतिव्रता एवरीथिंग सब कुछ हूँ, लेकिन वो नहीं है इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जनरली ऐसा कहा जाता है, लेकिन इट इज़ द साइकोलॉजिकल ट्रूथ कि जब कोई आदमी किसी दूसरे पर जिस किसी पॉइंट को लेकर के पॉइंट आउट करता है कि उसमें ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तो हकीकत में वो खुद में उस चीज़ की कमी देखता है। हकीकत में वो चीज़ उसके अपने अंदर नहीं होती है, इसलिए वो दूसरों से कहता है। बड़ा विचित्र इस मन का नियम, लेकिन है कि जो आदमी अपने भीतर में ईमानदार नहीं है उसी को दूसरे लोग चोर नजर आते हैं। और जो आदमी खुद के भीतर वाकई में ईमानदार है, उसके ख्वाबों ख्यालों में, उसकी सोच में, उसके वाणी में दूसरे को चोर कहने का विकल्प ही, ऑप्शन ही पैदा नहीं होता। बड़ी मुश्किल है, इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रुथ। इसीलिए इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन विद अस कि जो चीज हम अपने स्पाउस में चाहते हैं कि उसमें ये हो, वह हमारे भीतर है या नहीं है।
इसका मतलब यह हुआ कि जो भी अंगुली दूसरी की तरफ उठे उस अंगुली को खुद की तरफ उठा लो, जो भी अंगुली दूसरों की तरफ उठे उस अंगुली को खुद की तरफ उठा लो। क्या उठा सकते हो? जिस भी पॉइंट को आप दूसरे पर के साथ पॉइंट आउट करना चाह रहे हो उसी पॉइंट के ऊपर खुद को एनालिसिस करो कि उस वो चीज़ मुझ में है या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में हमारे भीतर में उस चीज़ को लेकर के डाउट्स है, कमी है, तभी वो चीज़ दूसरे के अंदर की कमी के रूप में हमें नज़र आती है। इज इट ओके? इसका आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये था, हम अपने स्पाउस से क्या होना चाहते हैं, बीइंग। सेकंड, हम उससे क्या करना मांगते हैं, वो ऐसा करे, होना। होना इज ए बीइंग, आपके अपने व्यक्तित्व की विशेषताएं, ठीक है। करना इज एक्शन। अब हम हर कोई चाहता है उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें वैसा करना चाहिए, उन्हें इस तरीके से ये कामों को करना चाहिए, ठीक है। अब करना चाहिए, कितनी लिस्ट है अपने पास जो हमें लगता है कि मेरे स्पाउस को ये कार्य करना चाहिए। जैसे इन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, इन्हें बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना चाहिए, मेरे घर के कामों में भी हाथ बटाने चाहिए, और इनको अपना बिजनेस बड़ा ध्यान से करना चाहिए, इनको रात को आने के बाद भी मुझे घुमाने ले जाना चाहिए। कुछ करना जिसमें आप करना मांगते हो, ठीक है। फर्स्ट इज़ बीइंग, सेकेंड इज़ डूइंग, जहाँ हम करने की उम्मीद करते हैं। अब जो करने की उम्मीद हम दूसरों से करते हैं, ये प्रॉब्लम सारी एक ही जगह पे खड़ी होती है कि हर चीज़ की उम्मीद हम सामने वाले से कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम उम्मीद कर रहे हैं करने की, तो बस इतना सा एक पल के लिए सोचो, क्या करना मांगते हो? उनको बिजनेस अच्छे से करना चाहिए, उनको पैसा यहाँ नहीं यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें अपने घर वालों की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, अपनी बीबी की भी सुननी चाहिए, अपने बच्चों का फ्यूचर भी देखना चाहिए। करना, क्या करना मांगते हो? कितनी सारी बातें जो आप उनसे करने के रूप में उम्मीद करते हो, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक लिस्ट बनाओगे? अगेन, वन मिनट का ध्यान, आंखें बंद करके अपने अंदर देखो कि आप अपने स्पाउस से क्या करना की उम्मीद करते हो। इट इज़ रियली अमेजिंग कि जेंट्स लोगों की आंखें जल्दी खुल जाती है, लेडीज की लेट, क्योंकि लेडीज के पास लंबी लिस्ट है उनके पास लंबी फहरिस्त है कि उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, ये ऐसा सुनते नहीं है, ये बैठते नहीं है, ये समझते नहीं है, ये साथ चलते नहीं है तो क्या करना चाहिए, कितनी लंबी लिस्ट है थी आपके पास में, ठीक है। हाँ, दोनों आ गए, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, दोनों की लिस्ट आ गई, ठीक है ना। अभी घर जाके सब कुछ नोट डाउन करना, पेपर पे भी लिखना। देखो, इस सेमिनार में आपको अपने ऊपर कुछ वर्क करना है, जब खुद पे वर्क करना है तो आपको होमवर्क भी करना होगा। अब लिखिए कि आप अपने हस्बैंड से क्या क्या करने की उम्मीद करती हो, ठीक है। जिन चीज़ों को आप चाहती हो कि वो ऐसा करे, ठीक है, उन चीज़ों में आप ये देखो कि आप उन्हीं कामों में कितना उनका सहयोगी बन सकती हो,
और कैसे सहयोगी बन जाओगी कि वे लोग ये कामों को करना शुरू कर देंगे। जो करवाना चाहती हो उनमें आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगी, आप कैसे उनके लिए इंस्पिरेशन बनोगी, आप कैसे जो अपनी वाइफ से करवाना चाहते हो उसके लिए आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। जैसे आप चाहते हो कि वो आपके बिजनेस को भी करे, वो आपके बच्चों को भी अच्छे से पालन करे, वो आपके मम्मी पापा का भी अच्छे से ध्यान रखे, तो आप ये सोचो कि उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। जैसे आप ये तो उम्मीद करते हो कि मेरी वाइफ मेरी मम्मी पापा का ख्याल रखे, तो इसी को देखो, क्या आप भी अपनी मम्मी पापा का ख्याल उतने ही अंशों में स्वयं एक्टिवली रखते हो जितना आप अपनी वाइफ से उम्मीद करते हो। कुरान शरीफ में एक बहुत प्यारी बात आती है, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि हे आदमी, तू अपनी बीबी से अपनी माँ की सेवा मत करवाना, क्योंकि वो तेरे लिए आई है और तेरी माँ की सेवा करना तेरा फर्ज है। बड़ी गजब की बात है कि वो बीबी वो जो तेरे बच्चों की सेवा कर रही है वो तेरे माँ बाप की भी सेवा करे, तो तू कितना खुदगर्ज इंसान बन गया। अपने माँ बाप की सेवा तो कर एटलीस्ट, अगर वो करती है सेवा तो वो तुझ पर उपकार करती है। लेकिन ऐसी सोच हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे सोच है कि कई लड़कों की तो सोच ही ऐसी है कि पत्नी को इसलिए लाना था कि मेरे माँ बाप की सेवा कर सके, मेरी मम्मी को रेस्ट दे सके, खाना बना सके, मेरे मम्मी पापा की बुढ़ापे में पूरी सेवा व्यवस्था कर सके, इसलिए पत्नी लाना। मतलब कि अभी तक भी हमारे इंडियंस में कई सारे युवाओं की ये सोच है कि घर में कामवाली के हिसाब से लाना। इन कुछ दिनों में सोच बदल गई, बदलने का कारण यह है कि अब लेडीज़ की मैंटेलिटी बदल गई, अब लेडीज़ का एजुकेशन का लेवल चेंज हो चुका है, अब लेडीज़ स्वयं बिजनेस करने लग गई है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने लग गई है, तो अब जेंट्स की ये मेंटालिटी चेंज हो गई। अन्यथा बहुत लंबे समय तक तो शादी करने के ख्याल के साथ ये सेकंड ख्याल भी बना रहता था कि मेरी माँ बाप की सेवा के लिए तो कोई चाहिएगी ना। तो ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा कि जो काम हम करवाना चाहते हैं अपने स्पाउस से और जो काम हम नहीं करवाना चाहते अपने स्पाउस से, हम उसके लिए एक्टिवली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, जो आप अपने पति को पत्नी को ये चाहते हो कि वो ऐसा हो, तो वो हम में है या नहीं, ठीक है। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेमिनार कि जो चीज़ आप ये चाहते हो कि वो ऐसा करे, वो हम भी कर पाते हैं, हम उसमें कितना अपने आप को एक्टिवली सहयोग कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं शिकायतें तब पैदा होती है जब आदमी को ये लगता है कि उनको करना चाहिए। अगर वो ये लगे कि हमें करना चाहिए तो बहुत चीज़ें बदल जाएगी। उनको करना चाहिए मैं क्वेश्चंस कुछ व्याख्याएं कुछ और होती है, और हमें करना चाहिए मैं व्याख्याएं कुछ बदल जाती है। तो ज़िंदगी को हमें की तरह करो, ज़िंदगी के हर कामों को हम करें, इस तरीके से करने लग जाओ तो कोई काम बड़ा नहीं है। लेकिन जनरली हमारे यहाँ बहुत सारे कामों को इस तरीके से बांट दिया जाता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है तो मम्मी का काम है, बाज़ार से कुछ काम सामान लाना है तो मम्मी का काम है, पड़ोसियों की सुख दुख की देखभाल रखना है तो घर की लेडीज़ का काम है। मतलब बहुत सारे कामों में जेंट्स की सोच होती है कि ये सब लेडीज़ के ही है, और लेडीज़ की सोच होती है कि ये वाले काम सारे जेंट्स के ही है, और फिर उनको लेकर के क्वेश्चंस होते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ये भूल जाते हो, आप वो भूल जाते हो, आपको कितनी बार कह चुका, आपको भी कोई काम तो ठीक तरीके से करते ही नहीं हो। अब जितनी शिकायतें करने वाले डिपार्टमेंट में पैदा होती है, उस डिपार्टमेंट की शिकायतों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि वो जो मैं चाहती हूँ कि वो ये करे, उसमें मेरा सहयोग क्या रहेगा, मैं कैसे उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बन सकते, मैं कैसे उनके लिए परस्पर पूरक बन सकते। देखो ये ज़िंदगी हमारी सारी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, हमारे सारे साथी जो है
वो फिल इन द ब्लैंक्स बचपन में होता था ना, स्कूल में जब एग्ज़ाम्स देते थे तब रिक्त स्थानों को हमें भरना होता था। तो ऐसे जीवन साथी का मतलब यही हुआ कि जो एक दूसरे के रिक्त स्थानों को आसानी से भर दे। और जब रिक्त स्थानों को भरने के लिए हम जीवन साथी है तो फिर कंप्लेन क्यों कि वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता। जो वो नहीं करता है वो आप कर लो, जो आप नहीं कर सकते हो उसमें उनका सहयोग ले लो। और एक दूसरे को बैठ करके सहयोगी बनने के लिए सदैव तत्पर रहो कि हमें हर हाल में हर मुद्दे पर सहयोगी बन करके काम करना है। एक दूसरे से कंप्लेन नहीं करना कि तूने क्यों नहीं किया, आपने नहीं किया मैं कर लेती। नई जनरेशन में कई जगह पर यह सोच आई है। हम पंजाब के दौरे पे थे, हमने वहाँ देखा कि जब करवा चौथ होती है तो लेडीज़ करवा चौथ का व्रत रखती है, तो कई सारे युवकों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। हमने कहा तुम भी रख रहे हो? बोला जब मेरी धर्म पत्नी मेरे लिए व्रत रख रही है तो मैं भी तो उसके लिए व्रत रखूँ। मैंने कहा इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है, अगर वो तुम्हारे लिए व्रत कर रही है तो तुम भी उसके लिए व्रत करो। करना, जब करना शब्द है तो एक दूसरे के साथी बन के काम करो। जब सप्लीमेंट्री बन सकोगे, कॉम्प्लीमेंट्री बन सकोगे, तो शिकायतें कहाँ बचेगी? कंप्लेंट्स वही है ना जहाँ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, और जहाँ कॉम्प्लीमेंट्स है वहाँ कंप्लेंट्स नहीं है। तो ठीक है, हम सेलेक्ट करें कि हमें अपनी लाइफ को कैसी बनानी, कॉम्प्लीमेंट्री या कंप्लेनफुल। इट ओके? ये सेकेंड पार्ट था डूइंग, एंड थर्ड इज हैविंग, रखना, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। रखना क्या? जैसे हम चाहते इनको ये रखना चाहिए, उनको वो रखना चाहिए। अब क्या क्या रखना चाहिए जरा देखो। आप चाहते हो अपने स्पाउस के लिए, जब भी आप सोचते हो तब आपकी सोच में सेंटेंस ऐसा बनता है, इनको ये रखना चाहिए। जैसे बुढ़ापे के लिए पैसा पहले से रखना चाहिए, मेरे नाम पे इतना पैसा रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, दिल दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, या मेरे लिए अपने आप के लिए अपने बच्चों के लिए इतनी सुख सुविधा के सामानों को रखना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, कुछ भी। और रिलेटेड विद हैविंग, क्या रखना चाहिए? आप उनके लिए क्या सोचते हो कि उनको क्या रखना चाहिए? जैसे आप सोचते हो उनको बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, खाने का ख्याल रखना चाहिए, घर की साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए, हर चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए, हम तो लाके दे देंगे, इनको रक्षा तो इनको ही करनी पड़ेगी। आप सोचते हो बहुत सारे पार्ट्स में कि इनको ये रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप सोचते हो इनके लिए कि उनको ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए, बच्चों को ऐसे रखना चाहिए, मुझे ऐसे रखना चाहिए, ठीक है। कई तो पत्नियाँ कह भी देती है कि देखो भैया हमें रखना है तो हैंडल विद केयर, कि हम भी कांच की तरह नाजुक है तो हैंडल विद केयर, कैसे रखना हमको, इट्स ओके, क्योंकि आप भी एक संपत्ति हो जिनको इनको रखना आना चाहिए, और ये भी एक गिफ्ट है जिनको आपको रखना आना चाहिए, तभी कैसे रखना, ठीक। तो अब जरा एक मिनट के लिए फिर से आंखें बंद करोगे और सोचो कि आपके मन में कितनी तरह की ऐसी बातें हैं कि मेरे स्पाउस को ऐसे ये रखना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो रखना चाहिए।
कंप्लेन का ग्राफ बने तो कैसा ग्राफ बनेगा? जेंट्स की तरफ से ग्राफ की ऊंचाइयां कम होगी, शायद लेडीज की तरफ से ग्राफ की ऊंचाइयां काफी ज्यादा होगी। तो आपके ख्याल में आ गया इनको क्या रखना चाहिए? सामान ठिकाने रखना चाहिए, सामानों को भूलना नहीं चाहिए, गाड़ी को रोज प्रॉपर यहाँ ला करके रखना चाहिए, जूतों को वहाँ रखना चाहिए। तो कितनी छोटी छोटी बातों में आप सोचते हो कि ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, सोचते नहीं सोचते? वेरी गुड, आपको कंप्लेन ही नहीं है। फिर भी कुछ उम्मीदें भी हो सकती है, उम्मीद भी नहीं है, कंप्लेन भी नहीं है। वेरी गुड, एक बार बोल दिया तो सब कुछ पूरी भी हो जाती है। फिर भी कई सारे स्पाउस में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि उनको ऐसा रखना चाहिए। ओके, अगर रखना चाहिए ऐसी सोच कभी पैदा हो, इसका समाधान क्या हो? कि जो चीज़ आप ये चाहते हो कि मेरा स्पाउस को ये चीज़ ऐसे रखनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम कहीं उस चीज़ में अव्यवस्था देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें मिसअरेंज है, प्रॉपरली अरेंज नहीं हो रही है। अब हम जितना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ये मिसअरेंज है, डिस्टर्ब है, रखते नहीं है, ख्याल रखते नहीं है, पेशेंस रखते नहीं है, बात को पेट में रखते नहीं है, हर किसी के सामने बोल देते हैं, जो चीज़ें आप ये देख रहे हो कि इनको रखना चाहिए और ये नहीं रख रहे, अपने माइंड को उन स्थानों पे फोकस करने की बजाय आप उसकी ऑपोजिट माइंड में इमेज जनरेट करो और आप ये देखो कि अब से वो अपना सामान व्यवस्थित रख रहे हैं। इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क कि वो जो नहीं रख रहा है उसको ऐसा सोचना और ऐसा फील करना कि वो व्यवस्थित रख रहा है, वो पेशेंस रख रहा है, वो सामानों को व्यवस्थित रख रहा है, वो रिश्तों को व्यवस्थित रख रहा है, वो हर एक चीज को, हर एक के रेस्पेक्ट को व्यवस्थित रख रहा है। क्योंकि रेस्पेक्ट भी रखने की बात होती है, भावनाओं का आदर करना वो भी एक रखना है, हैविंग फीलिंग्स। जिसके पास फीलिंग्स नहीं होती उनसे हम परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथी है लेकिन इनको ना घूमने में कोई खुश होने की फीलिंग्स है, ना खाने में कोई खुश होने की फीलिंग्स है, ना ऐसी फीलिंग्स है, ना वैसी फीलिंग्स है, तब भी लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो जिन फीलिंग्स की गैर मौजूदगी से परेशान होते हैं वे उसको इतना ज़्यादा शो करते हैं, इतनी ज़्यादा बार बोलते हैं कि तुम ये करते नहीं, तुम ये रखते नहीं, तुम ये रख सकते नहीं। तो वो चीज़ें जो नहीं 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 बोली जाती है वो हमेशा इंक्रीज होती जाती है और इस तरह से वो अव्यवस्था लगातार बढ़ती 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 इस स्टेज तक पहुंच जाती है कि वो मुद्दे कब इंसानों की भावनात्मक दूरियां पैदा कर देते हैं। तो इट्स रियली डिफिकल्ट कि जो नहीं रख रहा है उसमें ये फील करना कि वो रखता है, लेकिन अगर आप ऐसा फील कर सको कि वो रखता है, वो सम्मान रखता है, वो प्रेम रखता है, वो विश्वास रखता है, वो सामानों को व्यवस्थित रखता है, अगर आप ऐसा फील करना शुरू करो कि वो रखता है, वो रखती है, वो विश्वास रखती है, वो विश्वास रखता है, अगर वाकई में ऐसा फील करना शुरू कर दो तो जो नहीं रखता है वह भी रखने लग जाएगा। अगेन इट इज़ द साइंस, इट इज़ साइकोलॉजी। ये मन का एक वाकई में इतना गजब का चमत्कार है कि मन जिस चीज को नहीं मैं भी कह दे है वो है हो जाती है। जैसे हम अंधेरे में कह दे भूत है तो होता है या नहीं होता? अपने आप से भूत हो जाता है, उस अंधेरे में जाते हुए डर लगने लग जाता है और कोई हवा की आवाज भी आएगी तो लगेगा नहीं वो भूत की आवाज है,
वो देखो उसके पैरों की आवाज़ आ रही है, वो देखो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। जहाँ नहीं है वहाँ भी जब हम ये मानने लग जाते हैं कि है तो है पैदा हो जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को लोग मान ले कि ये तो सांप है तो वो सांप लगने लग जाती है। इल्यूजन बड़े काम करते हैं, इसीलिए इसको पॉजिटिवली यूज करो। मन की इसी वृत्ति का पॉजिटिवली यूज कैसे करना कि आपको पता है कि ये आपसे प्यार नहीं रखता फिर भी आप कहते हो वो प्यार रखता है। आपको पता है कि वो सामान व्यवस्थित नहीं रखता फिर भी आप जब भी किसी के सामने बोलते हो आप ये कहते हो वो सामान व्यवस्थित रखता है। आप पता है कि नहीं रखता और आप बोलोगे रखता है, ये झूठ नहीं है। ये एक टेक्निक है जिससे कि जो अव्यवस्था है वो व्यवस्था में बदल जाएगी। इज इट ओके? सामने हाँ, अगर आप सांप को रस्सी समझ सको वाकई में तो सांप आपको नहीं काटेगा, क्योंकि काटेगा तो तब जब आपके अंदर डर पैदा होगा। देखो कितने लोग हैं जो बिच्छू को कॉकरोच को आराम से उठाते हैं और बाहर डालाते हैं, देखे होंगे आपने। और कितने लोग हैं जो कॉकरोच रूम में आ जाए तो रूम से भाग जाते हैं, उनको इतना डर लगता है कि कॉकरोच जैसे मेरे ऊपर ही चढ़ने वाला है। तो आप जो समझते हो वही आप फील करते हो ना, जो आप मान लेते हो वही आप फील करते हो, और जो आप फील करते हो वही आपके ऊपर रिजल्ट लाता है। अगर आप भयंकर खतरनाक ऐसे शब्दों को फील करना शुरू कर दो तो आपके साथ में ऐसे शब्द रिजल्ट आने शुरू कर देंगे। और आप इट्स वेरी इजी ऐसा फील करना शुरू कर दो वो वाकई में इजी बन जाएगा। तो तीन बातें हमने कही, बीइंग डूइंग एंड हैविंग। हम अपने स्पाउस के अंदर क्या होना देखना चाहते हैं, उससे क्या करना देखना चाहते हैं, और उसके द्वारा क्या रखना देखना चाहते हैं। जो हम होना देखना चाहते हैं वैसे हम स्वयं बने, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप स्वयं जैसे हैं वैसे ही आप औरों को आकर्षित करोगे। ये सारी बातें वाकई में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो हम दूसरों में चाहते हैं वो खुद में पैदा नहीं कर पाते अक्सर। सेकंड, जो आप उनमें करना चाहते हो कि वो ऐसा करे, आप उस हर एक करने वाली एक्टिविटी में स्वयं कॉम्प्लीमेंट्री बनो, उनके लिए एक एनर्जी फोर्स बनो, उनको प्रेरणा देने वाली बनो, उनके सहयोगी बनो किसी भी काम में, कुछ भी हो सकता है वो। और तीसरा हैविंग, जो आप उनसे रखवाना चाहते हो वो आप देखना शुरू करो कि वो रख रहे हैं, फील करना शुरू करो कि वो ऐसा रख रहे हैं। अगर ये तीन बातें तीन वर्ड्स के साथ हमारी लाइफ में आ जाती है तो आई थिंक कि हमारी ये जो युगल जिंदगी है, जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये बड़ा मैनेज हो जाएगा। और अगर ये मैनेज हो जाता है तो इससे जुड़े हुए और कई सारे मुद्दे मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, जय हो।